हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें थ्री पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के. पी एक्स एंड जी एक्स पॉलिनोमियल्स गिवन है, दोनों को डिवाइड करेंगे एंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. स्टेटमेंट आई हैव रिटन, पी एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू गिवन है, डिवाइड करना है. जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो उसी पोजिशन में लिखते हैं हम अपने क्वेश्चन को. एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 एक्स माइनस 3. तो देखिए यहां पे हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 2 और हमें चाहिए एक्स रेज टू पावर 3. इट मीन्स हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स. उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप साइन चेंज करना होगा. ठीक है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रा में तो हम क्या करते हैं, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम साइन चेंज करते हैं. तो इसमें भी हम साइन चेंज करेंगे, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस 2 इट विल बिकम प्लस 7x माइनस 3. अब हमें चाहिए माइनस 3x स्क्वायर. हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, तो इट मीन्स हमें माइनस 3 चाहिए. माइनस 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 इंटू माइनस 3, जब दोनों माइनस होंगे तो साइन आएगा प्लस का एंड 2 3 जा 6. फिर से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें साइन चेंज करना, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 6 9 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा प्लस 7x. तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन, और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर. यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था. तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर में. देयरफोर क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9. तो आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट. स्टेटमेंट मैं लिख लेती हूं. इसमें हमें पीएक्स की वैल्यू गिवन है x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और हमारे पास जी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x. ठीक है, तो जैसे कि हम पॉलिनोमियल को हम इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है. तो जी एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूंगी, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो इस जी एक्स के साथ मैं इसको डिवाइड करूंगी. ठीक है, अब हम करते हैं इसको एक्स 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिविजन फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है बच्चा लोग, अगर आप साथ साथ में सॉल्व करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी नोटबुक साथ साथ में ले आए और साथ साथ सबको सॉल्व करें. देखिए एक्स रेज टू पावर 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स रेज टू पावर 4 आएगा, एक्स रेज टू पावर 2 से करेंगे क्योंकि 2 प्लस 2 4 होता है. एक्स रेज टू पावर 4 आ गया, अब माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब. अब एक्स क्यूब तो इसमें नहीं है तो इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज करने हैं हमने, प्लस एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा मींस 0 आ जाएगा, माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और ये जो x रेज टू पावर 3 है हम इसको आगे लेके आएंगे यहां पे. ठीक है, ना कि इसको पीछे लिखेंगे, बिकॉज जो ग्रेटर पावर है वो हमारी पहले आनी चाहिए. नाउ एक्स रेज टू पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स रेज टू पावर 3 आएगा, हमारे पास x के साथ करेंगे, x रेज टू पावर 3 माइनस x और प्लस x क्या बन जाएगा, माइनस x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू x बन जाएगा हमारे पास प्लस 1x. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे. ठीक है, साइन मींस अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस में कर देंगे. चलिए एक प्लस और एक माइनस कैंसिल, ये माइनस 4 और प्लस 1 बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1x बन जाएगा प्लस 3x माइनस 5. नेक्स्ट स्टेप x रेज टू पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास माइनस 3 हमें चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर
माइनस एक्स और माइनस थ्री हमारे पास बन जाएगा प्लस थ्री एक्स, प्लस वन और माइनस थ्री हमारे पास बन जाएगा माइनस थ्री। नेक्स्ट स्टेप सबको याद होगा, सर्कल करना है और साइन चेंज करना है, सर्कल वाले साइन को इग्नोर करना है। एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव और प्लस थ्री हमारे पास, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है ऊपर, यहाँ पे भी प्लस और ये बन जाएगा प्लस एट। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वोशेंट, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देयर फोर आर क्वोशेंट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर एट। तो हमारे पास क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों आंसर्स आ गए हैं, वेरी इजी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। चलिए करते हैं अपना थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट मैंने नोट कर लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस एक्स रेज टू पार्ट टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स फोर आएगा, माइनस एक्स टू से करेंगे तो भी माइनस माइनस प्लस होगा एक्स फोर, और टू को एक्स रेज टू पार्ट टू से करेंगे तो बन जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहां पे स्क्वेयर नहीं था तो हमने उसको साइड पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस पावर को हम सबसे पहले आगे लेके आएंगे, देन माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम माइनस एक्स टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि टू आएगा हमारे पास, माइनस टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू और माइनस टू बन जाएगा माइनस फोर। नेक्स्ट हम साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। दिस इज आवर क्वोशेंट, दिस इज आवर रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर क्वोशेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। दिस इज आवर आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल।